गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे KVC40 प्रोजेक्ट के बारे में। ये क्या है, ये किस तरह से काम करता है और यहाँ पे हम किस तरह से अर्निंग कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा KVC40 की बिलीव इन चैरिटी एक NGO है जिसका नाम है निदान वेलफेयर फाउंडेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमें किस तरह से काम करना होता है, किस तरह से हम इस चैरिटी के साथ जुड़ के हम अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर शुरू से लेकर एंड तक आप देखते रहेगा, आज को आपको फुल जानकारी यहाँ पे दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ ये क्या है। ये एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। क्राउड फंडिंग का मतलब ये होता है कि लोगों से पैसा इकट्ठा करा हुआ किसी एक व्यक्ति को हेल्प करना, उसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। क्लियर हो गया होगा, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी संस्था, ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्टार्ट होती है, कोई बिजनेस का सेटअप अगर किसी को स्टार्ट करना है, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या करता है, जनता से अपील करता है कि हमारे लिए एक फंडिंग इकट्ठा करना है हमको, और वो एक स्क्रिप्ट वगैरह कुछ ना कुछ ऐसा लिख के यूट्यूब पर वीडियो वगैरह इस तरह से डाला जाता है, जहाँ पर लोग उनको उसके स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं कि वो क्या करना चाहती है। अगर लोगों को अच्छा लगता है कि हाँ, ये स्क्रिप्ट के अंदर यानी कि इस व्यक्ति को पैसा देना ठीक है और ये फ्यूचर के अंदर कुछ अच्छा कार्य हो सकता है, तो लोग वहाँ पर क्या होता है 100, 200, 500 या 1000, 2000 रुपये इस तरह से डोनेशन देते हैं। और वो डोनेशन जब फंडिंग इकट्ठी होती है, बड़ा अमाउंट होता है, तो कंपनी वहाँ पे क्या करती है कि अपना जो भी उनको सिस्टम चालू करना होता है वो चालू करती है और लाखों लोगों के लोगों के उनके बीच में वो प्रोजेक्ट लेके आती है। सो फ्रेंड्स, पर इस केस के अंदर हमारे साथ क्या होता है कि हम इसके अंदर चैरिटी तो दे देते हैं, हमारे को खुशी मिल जाती है, लेकिन हम कभी भी इस ऐसे प्लेटफॉर्म के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो देते हैं तो हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलता। तो एक निदान वेलफेयर फाउंडेशन जो NGO है, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम लॉन्च किया जाए जिसके अंदर लोग फंडिंग करेंगे तो उनको ही यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म यहाँ पे तैयार हुआ है जिसके अंदर क्या करता है, अगर आप यहाँ पे डोनेशन देते हैं, मात्र 1500 रुपये का डोनेशन, 1500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो कुछ भी नहीं है, है तो यहाँ से आप काफ़ी दूर जा सकते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ, अगर दिल्ली से किसी को बिहार जाना है तो 702 व्यक्ति आराम से 1500 रुपये बिहार जा सकता है। ठीक है, बट 1500 रुपये कोई बड़ी चीज़ भी नहीं है। अगर आपके फ़ोन से आपके बच्चे ने आपका फ़ोन गिर दिया तो 1500 रुपये का फोल्डर डलता है, 1500 क्या फ्रेंड्स 2000 रुपये का फोल्डर डलता है, तो 1500 रुपये का छोटी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन 1500 रुपये में यहाँ पे आपकी ज़िंदगी चेंज हो सकती है। आपकी यहाँ पे 1500 रुपये में ज़िंदगी चेंज हो सकती है। एक मौका, एक ट्राई, आपको अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको एक ट्राई करना चाहिए कि क्या मेरे को इसको करना चाहिए नहीं करे, तो इस वीडियो में शुरू से लेकर देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों करना चाहिए, क्योंकि क्यों का मैटर अगर क्लियर हो गया तो करना वो अलग लेवल पर आ जाता है। पर क्यों करना चाहिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें KVC40 क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म को ज्वाइन क्यों करना चाहिए, यहाँ पर हमारे को करने से क्या बेनिफिट मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं एग्जांपल के तौर पे एक बात लेना चाहता हूँ, अगर 1 करोड़ लोग या 2 करोड़ लोग अगर 1500 रुपये डोनेशन देते हैं किसी भी व्यक्ति को, मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी को भी, तो क्या 1 करोड़ लोग गरीब हो जाएंगे? नहीं। 1 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे? नहीं। 1 करोड़ लोग रोड पर आ जाएंगे? नहीं। उसकी ज़िंदगी कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। लोगों की ज़िंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। बट एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ, अगर वो व्यक्ति इस प्लेटफॉर्म के अंदर एंटर करके अगर वो यहाँ पे 1 करोड़ का नेटवर्क अगर बना लेता है, तो सोचो कितनी बड़ी प्रॉफिट उसको हो सकता है, कितना बड़ा फंडिंग उसको मिल सकता है, क्योंकि लोगों के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला 1500 रुपये में, लेकिन किसी की हेल्प अगर हो तो कितना बड़ा अमाउंट हेल्प हो सकती है, आप ये सोचिए। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा कि आप अगर 1500 रुपये का डोनेशन देते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है, आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ फ्रेंड्स, अभी मैं अपनी आईडी खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि मुझे क्या मिला है। पहले मैं अपना प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद आगे बात करूँगा। सो फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मैं अपनी आईडी यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, आपके सामने सारे चीज़ लाइव करने वाला हूँ। तो मैंने अपनी आईडी यहाँ पे डाल दी है, 65 नंबर मेरी आईडी है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 47 लोगों ने अभी तक यहाँ पे मेरे टीम के अंदर फंडिंग करी है, यानी कि मैंने 2 लोगों को बताया, उन्होंने 2 को बताया, इस तरह से देखा जाए तो टोटल 47 लोगों ने यहाँ पे अभी फंडिंग करी है। और आप देख सकते हैं कि मैंने 2 लोगों रेफर करा है, उनके डाउनलाइन टीम यहाँ पे देख सकते हैं, टीम इसको कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, या लोग कह सकते हो, या व्यक्ति कह सकते हो, 47 लोगों ने यहाँ पे डोनेशन दिया है। बट मुझे क्या मिला है, मुझे आप देख सकते हैं 3000 रुपये का वॉलेंटियर मैचिंग फंड मिला है, क्राउड में जो लोग से जो भीड़ से इकट्ठा होकर जो पैसा हुआ 4000 रुपये के करीब आया है, टोटल जो ट्रांजेक्शन हो रखी है 9900 रुपये की यहाँ पे मेरे पास अब तक हो चुकी है। आप मेरी ज्वाइनिंग डेट भी देख सकते हैं और रैंक जो मेरा इसके अंदर हो चुका है वो सिल्वर रैंक पे मैं अचीव कर चुका हूँ। तो ये है, आप यहाँ पे देखिए कि आप कहेंगे कि आपको मिला है,
मेरे को ही नहीं मिला है, बहुत लोगों को मिला है। बहुत लोगों को मैं एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहता हूँ कि मैंने 1500 रुपये का डोनेशन दिया, मुझे एक रिसिप्ट मिल गया कि आपने इस व्यक्ति की आपका पैसा हेल्प में चला गया। हेल्प में पैसा किस तरह से जाता है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ अभी। फॉर एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, जैसे मैंने 1500 रुपये का डोनेशन दिया, तो सबसे पहले 1500 रुपये में से 500 रुपये उस व्यक्ति को मेरा चला गया जिसने मुझे इस सिस्टम के बारे में बताया, इस सिस्टम से इंक्लूड कराया, 500 रुपये उस व्यक्ति को चला गया, बचे 1000 रुपये। 1000 रुपये में से 500 रुपये उस व्यक्ति को चला गया जो एसोसिएट लेवल के रैंक पे था, उस व्यक्ति को 500 रुपये चला गया। अब बचे 500 रुपये। 500 रुपये वॉलेटरी मैचिंग फंड जो आप देख सकते हैं 150-150 रुपये, वो वॉलेटरी मैचिंग फंड में लोगों के पास चला गया। मेरे अपलाइन, मेरे जो उनसे ऊपर वाले थे, उनसे ऊपर वाले थे, इस तरह से वॉलेटरी मैचिंग फंड लोगों में चला गया। आपके सामने है सारी चीज कि 1500 रुपये हमारे और आप जैसे आम व्यक्ति के पास चला गया। सबसे पहला 500 रुपये जिसने आपको बताया, आपका दोस्त हो सकता है, रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उनके पास चला गया। दूसरा एसोसिएट लेवल, जो एसोसिएट लेवल में रैंक में था आपसे ऊपर, उस व्यक्ति को चला गया। और 500 रुपये जो बचा वो वॉलेट मैचिंग फंड में चला गया, यानी कि सभी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो आपका पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ, लोग हेल्प में किस तरह से गया, आप आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं कि हमें किस प्रकार से यहाँ पे हमें मिलेगा। जिस तरह से मेरा पैसा लोगों में बढ़ गया है, उसी तरह से आपके थ्रू आने वाले लोग आपको, इसी तरह से आपके थ्रू आपके नेटवर्क में बटने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स, मैं अपना एक ट्रिक खोल लेता हूँ जिससे आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी कि किस तरह से होता है। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके सामने, आप देख सकते हैं ये मेरी आईडी है, मैंने ए को बताया, ठीक है, तो इससे मेरे को 500 मिला, क्लियर है, क्योंकि मैंने इस व्यक्ति को बताया तो 500 रुपये मिला, इस व्यक्ति को बताया तो मेरे को 500 रुपये मिला, ठीक है। इन दोनों व्यक्ति को मैंने बताया तो 500-500 रुपये मुझे मिलेंगे, 1000 रुपये, क्लियर है। वॉलेटर मैचिंग फंड 150 रुपये मैच कर गया तो वो भी मुझे मिल गया, टोटल 1150 रुपये मुझे मिल गए। अब इन्होंने क्या करा, इसको बताया, ठीक है, इन्होंने क्या बताया, इसको बताया, ठीक है, तो इनसे क्या हुआ, इनको 500 रुपये मिल गए, इनको भी 500 मिल गए, यानी कि टोटल जिस प्रकार से मुझे मिल गए 1150 रुपये, इनको भी 1150 रुपये मिल गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ओनली ओनली मुझे मिला है, इस टीम के अंदर जितने भी लोग एक दूसरे को कनेक्ट करे हैं, एक दूसरे को बताए, सबको 1150-1150 रुपये मिल चुके हैं। कैसे, जैसे ही हम दो व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हैं तो 1150 रुपये की इनकम इंस्टेंट उसी टाइम आपके पास आ जाती है, इंस्टेंट यानी उसी टाइम, एनी टाइम क्लोजिंग है, मतलब कि इंस्टेंट क्लोजिंग है इसके अंदर, क्लोजिंग कहा जाता है इसको, इंस्टेंट क्लोजिंग है। आगे बात करते हैं, तो जिस तरह से मेरे को 1150 रुपये आते हैं दो लोगों को बताने पर, ये जितने भी लोग दिख रहे हैं सभी ने एक दूसरे को बताया तो सबके पास 1150-1150 की इनकम हो चुकी है, जो एसोसिएट लेवल पे है। मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं, अगर मैं इसकी आईडी पे क्लिक करता हूँ आपके सामने, तो इनको कितने रुपए का बेनिफिट मिला होगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने क्या है, अपनी खुद की आईडी लगा रखी है, मतलब खुद की, मतलब कि इनकी आईडी है, और इन्होंने एक लोगों को स्पॉन्सर कराया, तो इनसे क्या हुआ, इनके पास इनसे 500 रुपये चला गया, यानी कि इनके पास अभी इनकम कितनी हो रखी है, 500 रुपये की इनकम हो रखी है। जैसे वो एक और व्यक्ति को बता देंगे, किसी को ज्वाइन करा देंगे, अब ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि यही व्यक्ति ज्वाइन कराए, यूँ भी हो सकता है कि मेरे पास कोई तीसरा व्यक्ति आया और मैंने यहाँ पे उनकी आईडी प्लेस करी है, तो उस केस में किस तरह से पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट जो मैंने बताया है मेरे थ्रू लोग आए हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट का पैसा तो मुझे मिल जाएगा 500 रुपये, और आपको जैसा मैंने बताया था ये एसोसिएट लेवल पे है, आप देख सकते हैं एसोसिएट लिखा हुआ है, तो एसोसिएट लेवल पे पैसा यानी कि इनको चला जाएगा 500 रुपये, मेरे पास 500 रुपये इनके पास, और बाकी वॉलेटर मैचिंग फंड के अंदर चला जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ इस चीज़ को। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे आईडी क्रिएट करी, डायरेक्ट स्पॉन्सर मेरा है तो मेरे पास 500 रुपये आ गए, बचे 1000 रुपये, 1000 रुपये एसोसिएट लेवल पे, तो मैंने बताया था कि एसोसिएट लेवल पे चले जाते, तो इनसे इनके पास चला गया 500 रुपये, जिसपे ये क्या हो जाएगा, ब्रांच भी हो जाएंगे और इनके पास 1000 रुपये की इनकम हो जाएगी, और वॉलेंटियर मैचिंग फंड भी साथ में इनको मिल जाएगा जो कि 150 रुपये है। आई होप क्लियर होगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको ही बेनिफिट मिलता है, आपके नेटवर्क के अंदर, आपके टीम के अंदर, आपके दोस्त रिश्तेदार जो भी व्यक्ति जुड़ते हैं सभी को यहाँ पे पैसे मिलते हैं, पर रैंक और लेवल के हिसाब से, प्लस बाइनरी डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से, जिसको मैचिंग मॉनिटर फंड भी कहा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि सभी को अच्छे प्रकार से इनकम मिलती है, और आपका नेटवर्क जितना बड़ा बिल्ड होता चला जाएगा उसी प्रकार से आपकी इनकम भी इंक्रीज होती चली जाएगी, यूं कह सकते हैं कि फंडिंग भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। मैं अभी छोटा सा आपको हिंट दे देता हूँ, अगर आप यहाँ पे आते हैं तो एसोसिएट लेवल पे होते हैं, जहाँ पे आपकी 1 रुपये की कमाई होती है, ज्वाइनिंग लिए होते हैं, जैसे आप किसी दो व्यक्ति को ज्वाइन करा देते हो, यानी कि आप उनसे भी फंडिंग करवा देते हो इस एनजीओ के अंदर, तो वहाँ से आपको 500-500-1000 रुपये की डायरेक्ट इनकम आ जाती है, प्लस मैचिंग फंड भी आपको मिल जाता है 150 रुपये, यानी कि 1150 रुपये आपके पास आ जाती है।
आप ब्रांच लेवल पे चले जाते हैं। आपके साथी लोग जब यहाँ पे आते हैं वो भी अपना नेटवर्क बनाते हैं और दो के नीचे चार लोग होते हैं और चार जब ब्रांच बनते हैं आपकी तरह ही, तो वहाँ पे आप सिल्वर बन जाते हैं। और जिस तरह से आपको 1150 रुपये की इनकम आपको आई थी, उन सभी को 1150 रुपये की इनकम आ चुकी होती है और आपको यहाँ पे 2000 रुपये की इनकम आती है सिल्वर लेवल का। और प्लस वॉलेटरी मैचिंग फंड लगा के बात करें तो 4 वॉलेटरी मैचिंग यहाँ पे आपके पास आती है, 4 तो 6 वॉलेटरी मैचिंग फंड आती है 150-150 रुपये के हिसाब से, तो वो कैलकुलेट कर लीजिएगा। और आप सिल्वर रैंक पे हो चले जाते हैं और जब वो 8 लोग व्यक्ति नीचे हो जाते हैं, वो 8 लोग जब सिल्वर बनते हैं तब आप गोल्ड लेवल पे जाते हैं। इस प्रकार से ये क्राउड फंडिंग यहाँ पे इकट्ठी होती है। साथ ही साथ जिसको हम बाइनरी कहते हैं वो आपको समझ चुका हमें आगे लेफ्ट राइट आईडी कहीं पे भी किधर भी लगती है, क्योंकि स्ट्रक्चर एक लेवल के हिसाब से नहीं चलता, आगे पीछे ऊपर नीचे होता रहता है। हो सकता है कि आपने किसी ए व्यक्ति को बताया वो तेजी से काम करे, बी व्यक्ति को बताया वो स्लो काम करे, डी व्यक्ति को बताया वो तेजी से काम करे, तो ऊपर नीचे स्ट्रक्चर चलता रहता है। इक्वल तो चलना बहुत ही इम्पॉसिबल है। और इस केस में क्या होता है कि जितनी भी आपकी बाइनरी बनती है जिसको हम मैचिंग फंड कह सकते हैं, वो मैचिंग फंड आपको यहाँ पे मिलती रहती है 150 रुपये पर, और इसकी कैपिंग जो रखी गई 45 रुपये पर डे की रखी गई है। तो आप सोच सकते हैं कि काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 1500 रुपये का एक डोनेशन दे करके, लोगों की हेल्प करके, आप यहाँ संस्था के साथ जुड़ करके यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इनकम कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कुछ क्लियर हुआ हो तो आई होप कि मेरे को वीडियो बनाने में संतुष्टि मिलेगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।